वैष्णव का यहाँ पर किराए को लेकर ऐलान आ गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बढ़ा हुआ किराया जो है वो कम किया जाएगा और जो किराया बढ़ा है उसको अब कम करने की भी बात कह दी गई है रेल मंत्री अश्विनी की तरफ से। यहाँ पर ट्रेनों से विशेष टैग भी हटाए जाएंगे, इस बात का भी जिक्र रेल मंत्री ने किया है। किराया कम करने से आम आदमी को राहत मिलेगी और कोरोना महामारी के चलते प्रभावित रही रेल सेवाएं जिसमें अब सुधार की जरूरत, रेल सेवाएं धीरे धीरे अपने पुराने स्वरूप में आ रही हैं, जल्द ही ट्रेनों के बढ़े किराए जो हैं वो कम किए जाएंगे। रेल मंत्री ने बयान दिया ट्रेनों के बढ़े हुए किराए को लेकर, जो कोरोना में किराए को बढ़ाया गया था अब उस किराए को घटाया जाएगा और जो सुविधा पहले दी जाती थी ट्रेनों में अब वही सुविधा लोगों को मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किराए को लेकर यहां पर बढ़े हुए किराए को लेकर ये बात कही है कि ट्रेनों से विशेष टैग भी हटाए जाएंगे, किराया कम करने से आम आदमी को भी यहां पर अच्छा खासा उस पर उसकी जेब पर असर पड़ेगा जिससे लोगों को यहां पर राहत मिलेगी और जल्द ही जो ट्रेनों के बढ़े हुए किराए हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो बढ़ा किराया कम किया जाएगा, ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है। ट्रेनों से विशेष टैग भी हटा दिए जाएंगे, किराया कम करने से आम आदमी को राहत मिलेगी। कोरोना महामारी के चलते प्रभावित रही थी रेल सेवाएं धीरे धीरे अपने पुराने स्वरूप में अब आएंगी, जल्द ही ट्रेनों के बड़े किराए को कम किया जाएगा, ये अश्विनी वैष्णव ने कहा है जो कि रेल मंत्री हैं। बड़ी खबर ये दिल्ली से आपको बता रहे, जहां पर बड़ा किराया कम होगा ट्रेनों का, यहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात का ऐलान किया है कि जल्द ही बड़े हुए किराए को घटा दिया जाएगा ताकि लोगों की जेब पर जो असर पड़ रहा था वो अब ना पड़े, आम आदमी को इससे राहत मिलेगी। जो विशेष टैग ट्रेनों पर लगाए गए थे उस टैग को भी हटा दिया जाएगा। कोरोना के बाद भी हमने देखा कि ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी कर दी गई थी ताकि लोग अननेसेसरी जो है वो ट्रेनों से सफर ना करें, इसका हवाला भी दिया गया था। लेकिन आज ये बड़ा बयान रेल मंत्री का, हमारे संवाददाता अवैस जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस, ये कब से हम माने कि जो बढ़ा हुआ किराया है ट्रेनों का ये कम हो जाएगा, आम आदमी को राहत मिलेगी जल्द? जी बिल्कुल, रेल मंत्री की तरफ से एक बड़ी घोषणा जो है वो कर दी गई है और जिस तरह से कोविड काल में ट्रेनों के किराए जो है वो बढ़ाए गए थे और ये तर्क दिया गया था कि जब किराया बढ़ाया जाएगा तो ऐसे में कम लोग जो है वो सफर करेंगे, क्योंकि कोरोना जब शुरू हुआ था उस दौरान भारी मात्रा में लोग जो है रेलवे स्टेशन की तरफ पलायन करने लगे थे और यात्रा करने के लिए उतारू हो गए थे। उसको देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि जो किराया है रेलवे का उसको बढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर अब क्योंकि कोरोना के हालात सामान्य हो गए हैं और भारी संख्या में ट्रेनों भी जो है वो भी चलने लगी हैं और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, ऐसे में केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि जो बढ़ाए गए किराए थे उनको अब वापस लेगी केंद्र सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस तमाम जानकारियों के लिए आपका फिलहाल। वही बस